ये हमारा अगला टॉपिक है नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है ये देख लेते हैं। मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी। ठीक, मैनेजर्स को प्रोवाइड करना यूजफुल इनसाइट्स, जो भी चीज़ें हैं यूजफुल हैं मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए या फिर एक मैनेजमेंट के लिए, जो हमारे इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए हमें उनकी रियलिटीज में कन्वर्ट करके उन्हें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराते रहना, बताते रहना। देख लेते हैं क्या है ये। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। Adherence to these principles will add to their knowledge, ability and understanding of managerial situation and circumstances. It will also enable managers to learn from past mistakes and conserve time by solving recurring problems quickly. As such management principles increase managerial efficiency. For example, a manager can leave routine decision making to his subordinates and deal with exceptional situations with the require his her expertise by following the principles of delegation. अब एक वर्ड जो डेलीगेशन है ना, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरा पूरा चैप्टर है ये डेलीगेशन क्या होता है। डेलीगेशन मतलब एक सिंपल सा प्रोसेस जिसके तहत हम सारी के सारी जो हमारी हमारे यहाँ जो भी प्रॉब्लम्स रिकरर कर रही हैं उनको सॉल्व करना उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक, अब क्या इन्होंने कहा है, इनका इस आपके हेडिंग का मतलब है कि अब हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मान लो कि जैसे हमारे यहाँ बॉटल्स की मशीन थी, मैंने एक बंच कंपनी खोली बॉटल्स की, बॉटल्स को फिल करने का, पैक करने का पूरा उस मशीन का काम है। अचानक से क्या होता है कि उस मशीन के अंदर कोई भी ऐसी खड़बड़ी आ जाती है, मतलब खराब हो जाती है वो मशीन, जो कि नॉर्मल नहीं है, कभी कभी होता है, बहुत रेयर होता है, अचानक से ये हो गया जो कि कभी होता नहीं था। लेकिन अगर उसके अंदर कोई बॉटल फंस गई या पानी नहीं पहुंचा या ऑयलिंग नहीं हुई तो मशीन चलते चलते रुक गई, या फिर किसी मजदूर का हाथ फंस गया, या कोई ऐसा चीज हो गया इंसिडेंटली जो कि नहीं होता है, उस एक केस में हम अपने एक्सपर्ट से सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पूछते हैं, उनसे ओपिनियंस लेते हैं। एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम जब भी कोई ओपिनियन लेते हैं, डिसीजन बनाते हैं अपनी इफिशियंसी के अकॉर्डिंगली, हम उसे अनेबल करते हैं, मतलब मिस्टेक्स को क्लियर करके, सिचुएशंस को देख के हम उससे लर्न करते हुए आगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए चलते हैं, वो होता है आपका प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। कि आगे जाके हमारी कंपनी के बाहर जो वर्ल्ड है वहाँ पे बहुत टाइट कॉम्पिटिशन है, बहुत चीज़ें हैं वहाँ पे जो कि हो रही हैं, उसे हम आपकी कंपनी के अंदर पहले ही इंट्रोड्यूस कर देते हैं, हम पहले ही जान लेते हैं कि हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी है जो हमारे रियल वर्ल्ड में बाहर, मतलब हमारी कंपनी के बाहर जो गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को हमें नहीं करना है। जैसे सामने मान लो आपके यहाँ अनुष्का ने कंपनी खोली, उसके यहाँ बहुत अच्छा काम चल रहा था, उसने अपने यहाँ क्लॉथ का प्रोडक्शन का कंपनी खोल लिया, मैंने एक कंपनी खोली बॉटल्स की, मेरे यहाँ कंपनी का प्रोडक्शन चल रहा था, अचानक से मेरे यहाँ शटर खुला रह गया, चोरी हो गई। ठीक है, अब अनुष्का ने मेरी इस गलती से अपने यहाँ सुधार किया और अपने यहाँ एक्सपर्ट से पूछा कि हम डबल लॉकिंग या ट्रिपल लॉकिंग शटर लगा दे जिससे कि हमारे यहाँ ऐसी कोई भी मिस्टेक ना हो। ये होता है एक्सपर्ट से एडवाइस लेके अपने मिस्टेक्स को या दूसरों की मिस्टेक्स को या रियल वर्ल्ड में हो रहे कोई भी काम को सीख के अपने यहाँ करेक्ट करके कंजर्व करके प्रोडक्शन को या फिर मैनेजमेंट को आगे बढ़ाना। दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या होता है आपके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत मिनिमम आपके रिसोर्सेज को यूज करना। कहते नहीं है कि कम पैसे में हम जो हमने मतलब लगाई है लागत, उसमें कम पैसों में जो हम कम आपके कैपिटल को लगा रहे हैं, कम में ज्यादा मुनाफा होना। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का थोड़ा मिनिमम या ऑप्टिमम हम यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज को, और उससे इफेक्टिव हमारे यहाँ वर्क हो रहा है। ठीक है, हमारा जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत इफेक्टिव वर्क कर रहा है, बहुत अच्छे से स्पीडली वर्क कर रहा है। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस। दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं क्या है ये। रिसोर्स बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल अवेलेबल विद द कंपनी आर लिमिटेड, दे हैव टू पुट टू ऑप्टिमम यूज द ऑप्टिमम बाय ऑप्टिमम यूज वी मीन दैट द रिसोर्सेज शुड बी पुट टू यूज इन सच अ मैनर दैट दे गिव मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम कॉस्ट। देखा, मैक्सिमम बेनिफिट मतलब कम पैसा लगाया, 1 रुपए या 2 रुपए या बहुत ज्यादा लगा तो 5 रुपए हमने कंपनी में लगाए, लेकिन उससे मुनाफा कितना लिया, मैक्सिमम में 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए हमने मुनाफा लिया। तो
ये होता है मिनिमम कॉस्ट, कम पैसों में ज्यादा मुनाफा करना। हम इस तरह वर्क करते हैं, इस तरह पॉलिसीज बनाते हैं अपनी, इस तरह से वर्क करके चलते हैं, अपने मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स बनाते हैं कि पैसा हमारा कम लगे लेकिन हमें उससे प्रॉफिट जो मिले वो मैक्सिमम मिले और इफेक्टिव भी हो। फिर नेक्स्ट से प्रिंसिपल्स इक्विप द मैनेजर्स टू फोरसी। फोरसी मतलब पहले से ही देख लेना, कहते नहीं है जैसे पंडित लोग पहले से ही देख के बताते हैं आगे भविष्य में आपके साथ ऐसा ऐसा होना है, तो वो जो होते हैं ना भविष्यवाणी बताने वाले वो हमारे नॉर्मल लाइफ में होते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ बिजनेसेस में भी हम पहले से ही फोरसीज रखे होते हैं। मतलब जैसे वेदर कॉस्ट देखनी है तो मशीन से पता लगा दिया कि वेदर ऐसी होने वाली है, या कंपनी की हमारी सिचुएशन जो चल रही है उसके 5 साल आगे की हम सोच रख के चलते हैं कि हमें 5 साल आगे और कैसे सरवाइव करना है, वो होता है कि हम पहले से ही फोरसी करके रखते हैं। द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ देयर डिसीजंस एंड एक्शंस एज सच द वेस्टेज associated with a trial and error approach can be overcome. Effective administration necessities impersonalization of managerial conduct so that managerial power is used with due directions, discretion. Principle of management limit the boundary of managerial discretion so that the decision may be free from personal prejudices and biases. For example, including the personal annual budget for budgets for different department rather than personal preferences. Managerial discretion is bounded by the principle of contribution to organizational objectives.